हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमोन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। पिछली बार हम फोर्ट्री जिम तक आ चुके थे, तो चले जल्दी से फोर्ट्री जिम में चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सॉरी गाइज, मुझे पता है आज का वीडियो काफ़ी लेट आया है, काफ़ी लेट, तो माफ़ करना दोस्तों। मैंने जैसा कि कहा था, मेरे कॉलेज का लेक्चर था इसलिए। कैसा चल रहा है चैंपो के इंडियन फोर्ट्री जिम लीडर विनोना? फ्लाइंग टाइप पोकेमोन की मास्टर है, घूमते हुए दरवाजे के पीछे वो तुम्हारा वेट कर रही है। जिम के पीछे वो वेट कर रही है ऐसे चैलेंजर के लिए जो उड़ना चाहता हो। ओके, गो फॉर इट। तो गाइज, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, सॉरी गाइज, आज का लेआउट थोड़ा छोटा है, आज के लेआउट के पंगे की वजह से ही ज़्यादा लेट हुआ है, नहीं तो शायद से टाइम पर आ जाता वीडियो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं यार। बाल्ड पोकेमोन की एलिगेंट बैटल स्टाइल का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। तो सर जी, हम रेडी है, चलिए दिखाइए अपने बोर्ड पोकेमोन। तो सबसे पहले स्वेलो आ रहा है, तो हमें स्वेलो ही रखना चाहिए था, स्वेलो वैसे स्वेलो हो जाता तो अच्छा होता। तो गाइस, पिकाचू को बुला लेते हैं, पिकाचू भी अच्छा है बर्ड टाइप पोकेमोन के खिलाफ। पिकाचू एक ही अटैक में फेंटेड कर सकता है बर्ड टाइप पोकेमोन को। तो गाइस, आगे की बातें करते हैं, प्लान कर देते हैं पहले से कि जिम में हम हमारा कौन सा पोकेमोन चुनेंगे। तो सबसे पहले तो स्वेलो वर्सेस स्वेलो तो होगा ही, क्योंकि आपको पता ही होगा एस ने अपने स्वेलो की मदद से जिम लीडर विनोना के स्वेलो को हरा दिया था। तो हम भी वैसा कर सकते हैं बड़ी आसानी से, हमारे स्वेलो के पास बहुत ही अच्छा फ्लाइंग टाइप मूव है, आपको पता होगा वो है एरियल एस। और अभी तो थीफ अटैक करेंगे क्योंकि उसकी सिर्फ 1 HP बची थी। तो आगे कौन सा पोकेमोन है देख लेते हैं जल्दी से। और पिकाचू लेवल 35 और लेटियोस लेवल 32 पर आ चुका है, और लेटियोस रिकवर सीखना चाहते हैं, तो मैं हील पल्स फॉरगेट करा सकता हूँ। नहीं यार, मुझे हील पल्स के सिवाय और कोई देखने दो, साइको शिफ्ट शायद से करा सकते हैं हम, तो मैं सोच रहा था साइको शिफ्ट ही करा दूँ। तो साइको शिफ्ट हमने फॉरगेट करा दिया है लेटियोस को, और रिकवर अटैक सिखा दिया है हमने हमारे लेटियोस को। तो ये है स्टील टाइप और फ्लाइंग टाइप वर्सेस फ्लाइंग टाइप, तो हमें एडवांटेज थोड़ा कम है, इसलिए मैंने ग्रोवाइल को बुला लिया, क्योंकि स्टील टाइप को शायद वो हरा सकता है, शायद से, मुझे नहीं पता, लीफ ब्लेड से शायद से उसे डैमेज ज़्यादा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा डैमेज नहीं मिल रहा था तो इसलिए हमने लेटियोस को बुला लिया। और मैंने मेगा इवॉल्व किया था, और ये लस्टर प्लच बहुत ही अच्छा डैमेज मिला है हमें। और स्विफ्ट अटैक से हमें कुछ नहीं होने वाला भाई, स्विफ्ट अटैक तो बेकार अटैक है, जाने दो, इसे फिर से लस्टर प्लच से फेंटेड कर देते हैं, माफ़ी चाहूँगा, फिर से नहीं, पहली बार ही फेंटेड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो स्कारमरी को तो आसानी से हरा दिया, और स्वेलो लेवल 36 पर आ चुका है, और सेप्टाइल लेवल 41 पर आ चुका है। हाँ भाई, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, भाई हमें आगे जाने दे। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं यार, और आगे और बैटल्स करने होंगे मुझे ऐसा लगता है, तो मैं पहले यहाँ से जाने का ट्राई करता हूँ, और नहीं ओपन हो रहा, तो मुझे उस तरफ से ही जाना होगा, यहाँ से तो ओपन नहीं होगा क्योंकि लकड़ी रखी है वहाँ, तो दरवाज़ा उस तरफ से ही ओपन हो सकता है। और अभी मैं पिकाचू को ऊपर रखने जा रहा हूँ, और आपको क्या लग रहा है, मैं आपको ये बैटल दिखाऊंगा। विनोना ने मुझे पर्सनली सिखाया है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ले, हरा तो दिया, अब क्या कर ही दिया तूने, पर्सनली सिखाया है फिर भी क्या किया तूने। तो गाइस, पिछली बार मैंने कहा था कि हम फ्लाई अटैक सिखाने वाले हैं हमारे कोई भी बर्ड पोकेमोन को, तो तीन ऑप्शन मैंने दिए थे, लेटियोस, स्वेलो और स्वेब्लू। तो सबको तो लेटियोस और स्वेब्लू को ही वोट दिया, स्वेलो को क्यों नहीं दिया यार, स्वेलो भी था। तो वोटिंग में तो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं स्वेब्लू को, तो स्वेब्लू को ही फ्लाई सिखाना चाहिए। ठीक है, स्वेब्लू को 3 वोट्स मिले थे और लेटियोस को 2 वोट्स मिले थे, इसलिए मैं स्वेब्लू को फ्लाई अटैक सिखाना चाहता हूँ गाइस। और मिस्ट अटैक फॉरगेट करा देते हैं यार, तो मिस्ट अटैक तो फॉरगेट हो गया, और स्वेब्लू सीख चुका है फ्लाई। तो आपको अच्छा लगा ना, हमने स्वेब्लू को फ्लाई सिखाया, वैसे तो मुझे भी स्वेब्लू को ही फ्लाई सिखाना था, लेकिन दो लोगों ने जिन्होंने लेटियोस को वोट दिया था उन्होंने क्यों दिया था मुझे पता है, क्योंकि गाइस लेजेंडरी पोकेमोन लेटियोस पर सवारी करना किसे नहीं पसंद, और कितना ऑसम दिखता है आपको पता ही होगा, लेकिन स्वेब्लू को ज़्यादा वोट इस मिले थे तो मैंने स्वेब्लू को सिखा दिया। ठीक है गाइस, और यहाँ से मुझे रास्ता नहीं मिला, ओके रास्ता तो कब का मिल चुका था,
लेकिन मैं बुद्धू जैसी बातें कर रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से आ चुके हैं और ऊपर जाना है, अब यहाँ से नीचे नहीं जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और डोर है ऐसा, तो आगे बढ़ते हैं। कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं आगे? आगे भी एक पहले वाले अंकल जैसे है और यहाँ मैं फंस चुका हूँ। अरे नहीं, मैं बचने की कोशिश कर रहा था उन अंकल से लेकिन नहीं बच सकते। तो इन अंकल के पास है पेलीपर, तो चलिए यार डिस्चार्ज यूज़ कर लेते हैं हमारे पिकाचू का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप अटैक। अभी तक के लिए थंडर अटैक अभी तक नहीं सिखाया और थंडर बोल भी नहीं सिखाया, क्योंकि वो सीखा ही नहीं है, मैं क्या करूँ यार। गाइस आप ही कमेंट में लिख दीजिए इस बच्चे को क्या मैं अंकल बोलूँ या फिर वॉचमैन बोलूँ या फिर बच्चा बोलूँ, मुझे नहीं कुछ पता चल रहा। तो इसको तो अंकल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबको हरा दिया है ऑलमोस्ट, तो चलें यहाँ से चलते हैं विनोना के पास। और ये दरवाज़ा भी ओपन नहीं हो रहा, मतलब कि डोर, तो इधर से कोई रास्ता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से जा सकते हैं, ओके। और एक और चैलेंज है तो उससे बचना होगा। तो चलिए बच तो गए, लेकिन फिर से इस तरफ से जाना होगा। ओके, मुझे पजल सॉल्व करना मज़ा आ गया, लेकिन अभी सॉल्व नहीं कर सकता। ओके अभी जा सकते हैं हम, ये गेम्स में यार पजल अच्छे रखते हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हम आ चुके हैं विनोना को हराने के लिए, चलिए चलते हैं। अरे नहीं, ऐसे वॉइस में नहीं जा सकते यार। ओके विनोना किसकी ओर देख रही थी? तो सबसे पहले पिकाचू को तो रख दिया है हमने, मैं देख रहा था। और अभी स्वेलो भी है हमारे पास, तो स्वेलो को ऊपर स्विच कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास सबसे पहले स्वेलो होगा, तो स्वेलो वैसे स्वेलो तो करना है ना हमें जिम लीडर विनोना से। तो चलिए, अरे यार जल्दी बात कर, मेरा टाइम जा रहा है। मैं विनोना हूँ, मैं फोर्ट्री पोकेमोन जिम की लीडर हूँ। वो मुझे पता है, आगे की बात बोल। मैं भी बर्ड पोकेमोन में से एक बन चुकी हूँ और आसमान में उड़ चुकी हूँ। विनोना जी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ये तो सपने में हो सकता था वैसे। हावेवर एक भीषण बैटल में हम कृपा करके जीत जाए। ये क्या बोलना चाह रही थी मुझे कुछ पता नहीं चला, तो कोई बात नहीं। तो चलिए बैटल कर लेते हैं और ये अपने अंदाज में अपनी एंट्री मारेगी अभी। मेरे और मेरे बर्ड पोकेमोन का सुंदर डांस देखने के लिए तैयार हो जाओ। ओ तो ये डांस कराती है, वाव अच्छा डांस है, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। गोल गोल रानी मिट्टा मिट्टा पानी, ये कैसी बात थी गाइस। एनीवेज ये उससे डांस कहती है और अभी स्वेलो को भेज रही, तो हम भी स्वेलो को भेजेंगे। और आज का लेआउट आपको पसंद ना आया हो तो मैं बड़ा करने की कोशिश करूँगा अगली बार, तो मुझे बता देना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। वैसे तो मैंने साइड वाला बॉक्स ही थोड़ा छोटा कर दिया है और कुछ नहीं किया। तो चलिए एरियल इसकी बल्लेबाजी करते हैं, तो हम पे एरियल इस अटैक करेगा। हमारे स्वेलो का डिफेंस काफ़ी अच्छा है और लेवल भी काफ़ी अच्छा है। और सॉरी मम्मी मैं खाने के लिए आ रहा हूँ। गाइस मेरी मम्मी बुला रही है, लेकिन इस वीडियो को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। और स्वेलो 37 लेवल तक आ चुका है और लैटियोस आ चुका है 33 लेवल पर और स्कारमरी आ रही है गाइस। तो पिकाचू को बुला लेते हैं, स्टील टाइप पोकेमोन तो है वैसे लेकिन फ्लाइंग टाइप है, इसलिए शायद से एक ही डिस्चार्ज में फेंटेड होना चाहिए मेरे मुताबिक। हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और हो गया, वाव वाह, मेरे मुंह में घी शक्कर वाह। ठीक है गाइस, और अल्टारिया आ रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इससे पहले हार चुका हूँ और अल्टारिया ने मुझे नानी याद दिला दी थी। अल्टारिया ने हमारे सारे पोकेमोन को हरा दिया था गाइस, मुझे पता नहीं कि कैसे मैं पहली बार 3DS गेम में जिम बैटल हारा हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं हारा जिम बैटल 3DS गेम में। तो अभी बुला लेते हैं हमारे लैटियोस को और इवॉल्व करेंगे हम मेगा इवॉल्व। और मैंने देखा है कि ड्रैगन ब्रेथ सुपर इफेक्टिव होता है ड्रैगन टाइप पोकेमोन के खिलाफ। तो गाइस वीडियो का लाइक गेम यार आप ख़त्म कर दीजिए ना, इस बार हम थोड़ा कम रखेंगे प्लीज़, लेकिन लाइक गेम ख़त्म कर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस बड़ी आसानी से लैटियोस ने हरा दिया है और सेप्टाइल हो चुका है लेवल 42 का और पहली पर आ रहा है। तो स्वेलो को बुला लेते हैं यार आखिर में, स्वेलो और स्वेलो वर्सेस पहली पर काफ़ी अच्छी बैटल होने चाहिए। हम यूज़ करेंगे एरियल लेस और पहली पर कौन सा अटैक करेगा? वैसे डैमेज कितना मिला हमें? काफ़ी कम मिला,
कोई बात नहीं, एक और बार एरियलाइज करेंगे हम। और गाइस माफ़ करना अगर बीच में पटाखे की आवाज़ आ जाए तो। वैसे गाइस कल देव दिवाली थी और मुझे नहीं पता था, मुझे शाम को पता चला कि देव दिवाली थी। तो गाइस मैंने आपको देव दिवाली की शुभकामनाएं भी नहीं दी, मैंने विश भी नहीं किया आपको। सॉरी फॉर लेट विश, माफ़ करना। तो कोई बात नहीं, पहली पर को तो आसानी से हमने हरा दिया है, और आगे कोई पोकेमोन है नहीं, हरा दिया हमने। वाह, मैंने ऐसा ट्रेनर कभी नहीं देखा जो इतनी सुंदरता से अपने पोकेमोन को कमांड देता हो। थैंक यू विनोना जी, मैं अपने पोकेमोन का काफी अच्छा ख्याल रखता हूँ, मुझे पता है। मैंने तुम्हारे टैलेंट को पहचान लिया, इसलिए प्रेजेंट के तौर पर ये जिम बैज। तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा 6th बैज। और गाइस मैं तो गलतियां करते जा रहा था, आपने याद ही नहीं दिलाया कि हमारे लेआउट में मैंने गलती से 5th बैज रखा ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये मेरी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी। तो गाइस दिल से सॉरी, मैं भूल गया था 5th बैज रखना हमारे लेआउट में। और मेरी ओर से ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। थैंक यू विनोना जी, TM19 रूस्ट के लिए। मुझे पता है TM19 रूस्ट का क्या यूज़ हो सकता है, पहली बार बैटल करके ही पता चल गया था आपके साथ। पहले बैटल में अल्टारिया ने रूस्ट अटैक करके ही तो मुझे हरा दिया था यार। रूस्ट अटैक कितनी बार यूज़ किया, 6 से 7 बार तो पक्का था, और रूस्ट अटैक करके ही उसकी सारी HP रिकवर हो जाती थी। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चलते हैं पोकेमोन सेंटर की ओर। और यहाँ से हम जा सकते हैं डायरेक्ट, मुझे पता चल गया ये रास्ता क्यों दिया था इन लोगों ने। ठीक है तो चले चलते हैं यार। और गाइस माफ़ करना, मैं तो दिन में खेल रहा था, फिर भी यहाँ नाइट के ग्राफिक्स क्यों आ रहे थे मुझे नहीं पता, गाइस माफ़ करना। तो चलिए चलते हैं, हमने हमारे सारे पोकेमोन को हील भी करा दिया है, और अभी हमें जाना है रूट 121 पर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जा सकते हैं हम, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं कुछ भूल रहा हूँ गाइस, मैंने इन घरों में तो विज़िट ही नहीं किया था इस शहर के, तो इस शहर के घरों में विज़िट करना चाहिए था। तो गाइस साइकिल तो मैंने ले ली है, लेकिन हम चलते हैं रूट 121 पर। मैं पहले देख लेता हूँ रूट 120 पर क्या है, फिर हम इस शहर के घरों में विज़िट करेंगे। तो अभी तो चलते हैं यार। और गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ इस दादी के पास से आपको मिल सकता है हिडन पावर TM10, याद रखना। गाइस वो लास्ट वाली दादी है, वो आपको डायरेक्टली अटैक सिखा सकती है TM के बिना भी हिडन पावर। तो चलिए अभी हम चलते हैं रूट 120 के आगे, मैं जाना है रूट 121 पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और मुझे किसी ने कहा था एब्सोल को पकड़ लेना, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि एब्सोल कहाँ मिल सकता है हमें, हम एब्सोल ज़रूर पकड़ेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, मुझे शायद से पता तो है लेकिन मुझे जगह नहीं पता कि कहाँ मिल सकता है हमें, यहीं कहीं आसपास से मिल सकता है। तो प्लीज़ जिसी ने मुझे कहा था कि एब्सोल को पकड़ लेना, तो हम पकड़ लेंगे, सिर्फ आप मुझे एक बार बता देना आपको शायद पता हो तो। और हम इस लड़की से बाल बाल बच गए, नहीं तो बैटल करना पड़ता हमें। और गाइज आज वीडियो लेट आने का एक और रीज़न है, वही मेन रीज़न कह सकते हैं, क्योंकि मैं काइंड मास्टर मोड एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगा था कि मेरा डेटा लीक तो नहीं हो रहा। तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पर, और बहुत सारे वीडियोस देखे, 3-4 वीडियो देखे मैंने, तो मुझे बड़ी टेंशन होने लगी गाइस, और आज का वीडियो एडिट करने में भी बहुत देर लग गई। तो ये मेन रीज़न था, और सॉरी ये फालतू की बातें करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से तो बंद है रास्ता, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से नहीं पीछे के रास्ते से ही जाना होगा हमें। और मुझे हमारी साइकिल आती है इस गेम में, वो बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छी है, कितना अच्छा जंप किया है। वैसे ऐसी साइकिल मेरी होती तो कितना अच्छा होता, वैसे है तो सही साइकिल, लेकिन सेम टू सेम ऐसी नहीं है। तो यहाँ से नीचे जाने का क्या फ़ायदा होता हमें, वो तो मैंने देखा नहीं, तो बाद में देख लेंगे। और इन अंकल से भी बैटल नहीं करना हमें। और गाइस रात को बारिश हो रही है, लेकिन मैं भीग नहीं रहा, वाह क्या अच्छी बात है। नहीं वैसे इस रास्ते पर नहीं था, रूट 120 पर बारिश गिर रही थी। ठीक है, नहीं बच गए हम, अभी इनसे भी बैटल करना पड़ता हमें। और मैं बॉर्ड देखना चाहता था, लेकिन मुझे पता है ये रूट 121 ही है, और कोई पोकेमोन था मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं यार जल्दी से। और यहाँ टीम मैग्मा है गाइस। ऑल राइट, हम जा रहे हैं माउंट पायर की ओर, हमें टीम एक्वा से पहले वो ऑर्ब ढूंढना होगा। बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा कि एनिमे में हुआ था, तो चलिए चलते हैं इनके पीछे। हमारा मिशन ये है कि हमें टीम मैग्मा को हर बार फेल करते रहना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
टीम रॉकेट की तरह हमें टीम मैग्मा को भी फेल करते रहना है। और अभी हमारे पास सर्फ वाला कोई पोकेमोन है या नहीं? शायद से नहीं है, हमारे पास टेंटाकूल था जो सर्फ यूज़ कर सकता था। अभी डेक्स ने ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कहाँ जा सकते हैं हम? ओके, तो मुझे लगता है मुझे सर्फ अटैक किसी और को भी सिखा देना चाहिए। तो गाइस मुझे पता नहीं था कि हमारा लेटियोस भी सर्फ यूज़ कर सकता है। आप देख लीजिए, ये देखिए, मुझे नहीं पता था हमारा लेटियोस भी सर्फ यूज़ कर सकता है, मैंने तो आज ही देखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी अच्छी तरह से जा रहा है हमारा लेटियोस। वाह, मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया लेटियोस की सवारी करने का, जैसे मैं असल में सवारी कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ कुछ है तो मुझे चेक करना होगा, ये माउंट पायर ही है या फिर कुछ और है। गाइस इससे पहले मैंने वहाँ टिक किया था, वहाँ देखिएगा वहाँ कुछ था, कोई पोकेमोन जैसा था, मुझे नहीं पता। तो गाइस आज का वीडियो लेट आया है, तो ऐसा मैं जानबूझकर नहीं कर रहा गाइस, तो ऐसा अगर दूसरी बार हो तो भी माफ़ कर देना। तो गाइस कन्फर्म तो हो गया कि यही है माउंट पायर। मिलते आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एम करते हैं 15 लाइक्स, सिर्फ 15 लाइक्स प्लीज़ ख़त्म कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में, बाय गाइस।